हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन लक्ष्मी और वैभव विलास का दिन माना जाता है। शुक्रवार के दिन यदि आप लक्ष्मी जी की पूजा विधिवत करते हो तो महालक्ष्मी की आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर सकती है और आपको हर संकट से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, शास्त्र में लक्ष्मी माँ को धन की देवी माना जाता है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन उनकी पूजा आराधना करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है, साथ ही सारे कष्ट से दूर हो जाते हैं और पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए हम माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। माता लक्ष्मी धन और संपत्ति की अधिष्ठानी देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि समुद्र से इनका जन्म हुआ था और इन्होंने श्री विष्णु से विवाह किया था। इनकी पूजा से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही वैभव भी मिलता है। यदि लक्ष्मी रूठ जाए तो घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ज्योतिष में शुक्र ग्रह से इनका संबंध जोड़ा जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा केवल पैसे ही नहीं बल्कि समाज में यश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन बेहतर बनता है। तो दोस्तों, आज के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय बताए जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय लेके आया हूँ जो इसे करने से आपको माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाएगी और आपको खूब धन धान्य और पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों ऐसे कुछ खास उपाय। दोस्तों, ये उपाय शुरू करने से पहले कुछ जानते हैं काम की बातें। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि घर में किसी भी समय लक्ष्मी जी आ सकती है, लेकिन शाम का समय ऐसा होता है जिस समय लक्ष्मी जी का आना संभव होता है। इसलिए शाम के समय सारे घर की लाइट जलाकर पूरे घर में रोशनी कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के समक्ष मोगरे का इत्र अर्पित करना चाहिए और रति और कामसुख के लिए गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए। इसके साथ देवी लक्ष्मी के सामने केवड़े का इत्र अर्पित करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन सुबह के समय गौ माता को ताजी रोटी खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होगी और आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेगी। तो दोस्तों, घर में स्वच्छता का जरूर ध्यान दें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती है। और साथ ही कभी शाम के समय घर में झाड़ू न लगाए, इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन उस जगह जाएं जहां मोर नृत्य करते हैं और उसके बाद वहां की मिट्टी लाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पवित्र जगह में रख दें और उसकी पूजा करें, मतलब इससे धन लाभ अवश्य होगा। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहे और अपनी कृपा बरसाती रहे। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग शुक्रवार का व्रत करते हैं तो कुछ लोग रोजाना लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो दोस्तों, चले जानते हैं ऐसा एक उपाय। तो दोस्तों, पौराणिक काल से ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को नारियल सर्वाधिक प्रिय होता है और यही वजह है कि नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री माँ लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने के लिए पहले नारियल फोड़ने की परंपरा होती है, तो इसलिए बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही नारियल औषधि गुणों से भरपूर होता है। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र धारण करें और सुबह स्नान के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उसके बाद एक साबुत नारियल लेकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, एक साबुत नारियल लेकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। थोड़ी देर बाद वह नारियल लेकर एक स्वच्छ लाल कपड़े में लपेटकर घर में ऐसे स्थापित रख दे जहाँ पर कोई इसे देख ना सके। जी हाँ दोस्तों, ये लाल कपड़े में लपेट कर ऐसी जगह रखे जहाँ पर इसे कोई ना देख सके और ऐसा करने से आपके घर में धन वृद्धि के साथ ही सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये नारियल लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये घर में ऐसी तरह लाल कपड़े में टांग कर इसे घर में धन पैसा सब कुछ मिल जाता है और आपको पैसों की तंगी कभी नहीं आती है। तो दोस्तों, आप ये उपाय करते हो तो आपको कभी भी पैसों की समस्या नहीं आएंगी।
तो दोस्तों आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।